ये तो वही लड़का है जिसने मुझे पीटा था, ये याद क्यों है? अरे बेटा, उधर वहाँ सबके साथ बैठ के देखो। अंकल, मेरा नाम शिवा है और मैं देखने नहीं आया, मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओ नो! लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार मैं इतने छोटे बच्चे को ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेते देख रहा हूँ। प्लीज गिव शिवा अ बिग हैंड। दोस्तों, हम तीरंदाजी का मुकाबला शुरू करते हैं। इसमें अलग अलग टारगेट्स पे निशाना लगाया जाएगा। स्टैटिक टारगेट भी होंगे और मूविंग टारगेट भी होंगे। अब कंपटीशन का राउंड वन शुरू किया जाए। निशाना लगा सकता है कि नहीं? छोटा तीरंदाज मैंने पहली बार देखा है। अब राउंड थ्री शुरू होगा। इसमें सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स ही बचे हैं, शिवा और संतोष सिंह। होना हो, रॉबिन गुड वो आदमी ही है जो मेरे साथ आखिरी पार्टिसिपेंट बचा है। पता करिए ये कहाँ ठहरा है, उसके रूम की तलाशी लीजिए। ये बाहर से आए हैं और वेदास इंटरनेशनल होटल में ठहरे हैं। मैं उनके रूम की तलाशी लेता हूँ, तुम मुकाबला करो। ऑल द बेस्ट। Thank you.
शिवा और संतोष सिंह के पॉइंट्स बराबर हैं, तो ट्रॉफी दोनों को ही दी जाएगी। लड्डू सिंह जी के आने तक इसे रोकना होगा। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिवा और संतोष के पॉइंट्स बराबर हैं और दोनों को ही ट्रॉफी दी जाएगी। नहीं, ये गलत है। शिवा से अच्छा तीरंदाज इस दुनिया में कोई नहीं। आप चाहे तो एक दो मुकाबला करवा लीजिए। सब तरह के टारगेट पे निशाना लगा लिया, अब कौन सा मुकाबला करूं? ऐसे टारगेट पे जो दूर जा रहा हो और उसे तीरंदाज भी अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पे पीछा करके निशाना लगाएगा। यस यस, वेरी गुड आइडिया। मैं तैयार हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा आई एम द बेस्ट। मैं भी तैयार हूँ। तीरंदाज हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। संतोष को देने के लिए मेरे पास ये ट्रॉफी है। चल, अरे पकड़ो, पकड़ो, भाग रहा है। दोस्तों, ये लुटेरा तीरंदाज रॉबिन गुड है। इसके रूम से तलाशी लेने पर चोरी का सारा सामान मिल गया है। उसे पकड़वाने में शिवा का बहुत बड़ा हाथ है। शिवा।